नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी टेक्निकल माइंड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दोस्तों आप अपने डायलर में या कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा दोस्तों अमेजिंग लग रहा है। तो दोस्तों आप भी आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट या डायलर में अपनी फ़ोटो लगा करके आप अपने डायलर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। उसके लिए दोस्तों आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा, और यहाँ सर्च बार में दोस्तों माई फोटो फोन डायलर लिख करके सर्च कर दीजिएगा। माई फोटो फ़ोन डायलर लिख करके दोस्तों सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों सर्च कीजिएगा, आप यहां से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका 4.1 रेटिंग है, और यह दोस्तों 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो दोस्तों आप इसको यहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों जब तक ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों यहां से ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कहां क्लिक करना है, दोस्तों यह आपको इशारा करेगा। तो जहां पर दोस्तों इसको यहां देख सकते हैं, यहां इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ कस्टम स्टाइल पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको दोस्तों यहाँ क्लिक कर देना है। कहाँ कहाँ दोस्तों क्लिक करना है यह खुद डिसाइड कर रहा है दोस्तों, और आपको बता रहा है। उसके बाद दोस्तों इसको आपको इधर से लेकर के इसको साइड में क्लिक करना है, इधर इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों डबल टैप टू डिस्कलाइन, आपको इस पर डबल टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसी प्रकार से टैप कर करके दोस्तों आगे की ओर बढ़ना है। उसके बाद फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों रिक्वायर्ड परमिशन है, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप सबको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा, इस सबको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको यहां से दोस्तों बैक हो जाना है। जैसे ही बैक पर क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार से दोस्तों आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहां ऐड आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ से इसको ऐड को स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ डायलर देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ इस पर दोस्तों फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से इस पर क्लिक करना है। इसको दोस्तों कीपैड इफेक्ट, इस पर क्लिक करके आप अपने कीपैड कीबोर्ड को किस प्रकार से रखना चाहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने कुछ कीबोर्ड शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कई प्रकार के कीपैड आपके सामने ओपन हो चुका है। इसमें से दोस्तों आप कोई भी एक चूज कर लिया। दोस्तों मैं यहां से एक कीपैड चूज कर लेता हूं। चूज करने के बाद यहां से आप दोस्तों इसको स्पीड, इसमें जो भी ब्राइटनेस है उसको आप स्पीड कम कर सकते हैं। उसके बाद यहां से अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों फिर से आपके सामने ऐड आ जाएगा, तो आपको फिर से ऐड को स्किप कर देना है। अब दोस्तों फिर से इस जो स्टाइल था इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पिक इमेज लिखा हुआ है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से एक बार इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पिक इमेज लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यह आपको गैलरी में ले जाएगा, और यहाँ से आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद दोस्तों इसको आप इस प्रकार से सूटेबल करके आप दोस्तों यहां से अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा, और यहां से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यह आपके डायलर में सेव हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहां से बैक जाए दोस्तों, एक बार हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ दोस्तों मैंने जो इमेज लगाया हुआ आपके बैकग्राउंड में लग चुका होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा।